गाइस, बड़े शहरों में हर चीज़ थोड़ी अलग होती है। लोगों का रहन सहन, पहनावा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और यहाँ तक कि खाने पीने की वैरायटी भी बड़े शहरों में ज़्यादा होती है। तो जब हर चीज़ बड़े शहरों में अलग है तो जाहिर सी बात है भाषा यानी कि लैंग्वेज भी बड़े शहरों में थोड़ी हटके होती है। हम छोटे शहरों में ये सीखते हुए बड़े होते हैं कि जब कोई मिलता है तो पूछता है हाउ आर यू, और इसके जवाब में हमें कहना होता है आई एम फाइन, थैंक यू। फिर जब हम बड़े शहर पहुंचते हैं तो कोई कोई ऐसा भी मिलता है जो मिलते ही पूछता है हाय व्हाट्स अप, और इसके जवाब में बहुत से लोग बोल देते हैं आई एम फाइन थैंक यू, पर ये गलत जवाब है। व्हाट्सअप का मतलब हाउ आर यू नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर आई एम फाइन थैंक यू नहीं होगा। चलिए जानते हैं व्हाट्सअप का मतलब क्या होता है और फिर हम जानेंगे इसका जवाब कैसे देना चाहिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फंटास्टिक लर्निंग। सो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप का मतलब होता है और क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। व्हाट्सअप को हम इनफॉर्मल ग्रीटिंग की तरह बोलते हैं। जब हम किसी से अनौपचारिक तरीके से मिलते हैं तब हम हाउ आर यू की जगह पर व्हाट्सअप बोल सकते हैं। हाय व्हाट्सअप मतलब हाय, क्या चल रहा है। अब आते हैं इसके जवाब पे। तो अगर कोई पूछ रहा है व्हाट्सअप तो इसका रिप्लाई ये नहीं देना होगा कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, ये नहीं देना होता है। इसका आंसर ज़्यादातर ये होगा, या फिर हम बोल सकते हैं ज़्यादातर लोग इसका आंसर यही देते हैं कि कुछ खास नहीं। तो इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे, नथिंग मच, नथिंग मच। हेलो व्हाट्सअप, नथिंग मच। आप अपने आंसर को इतने में ही ख़त्म कर सकते हो या फिर दूसरे इंसान को भी पूछ सकते हो कि क्या चल रहा है, तो आपका आंसर होगा नथिंग मच, यू टेल मी, कुछ खास नहीं, तुम बताओ। ज़्यादातर इसका आंसर नथिंग मच कहकर ही दिया जाता है, लेकिन आप कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो या वाकई आप कुछ काम कर रहे हो और आप बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। तो अगर कोई पूछे व्हाट्सअप, सो आप कह सकते हो नथिंग मच, जस्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, यू टेल मी, कुछ खास नहीं, अखबार पढ़ रहा हूँ, तुम बताओ। नथिंग मच, जस्ट फिनिशिंग अप माई वर्क, यू टेल मी, कुछ खास नहीं, बस अपना काम खत्म कर रही हूँ, तुम बताओ। नथिंग मच, जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, यू टेल मी, कुछ खास नहीं, बस एक इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ, तुम बताओ। तो ऐसा भी बोलकर आप अपने व्हाट्सएप का रिप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, क्या आप सभी को पता है बहुत से लोग व्हाट्सएप का जवाब देने में कतराते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि जवाब देना क्या है। सो इसलिए वो बात को मजाक में ले जाते हैं और जवाब देते हैं स्काई इज अप, फैन इज अप। तो अगली बार आपका जवाब सही होना चाहिए। चलो एक मज़ेदार फैक्ट बताती हूँ। मशहूर मोबाइल ऐप व्हाट्सएप, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जो ये ऐप है हमारी, ये व्हाट्सएप है, और जो मैं बात कर रही हूँ कि कोई पूछता है वो व्हाट्सअप होता है, राइट। तो मशहूर मोबाइल ऐप व्हाट्सएप का नाम भी उनके फाउंडर्स ने इसलिए ही व्हाट्सएप रखा क्योंकि ये व्हाट्सअप से मिलता जुलता था, और इस ऐप को भी उन्होंने बातचीत के लिए ही बनाया था। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन। अच्छा ये बताओ आज का मौसम कैसा है, नहीं बताना कोई बात नहीं। अच्छा ये बता दीजिए आज की वीडियो कैसी लगी अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप सभी से मिलती रहूँगी। थैंक यू।